अच्छा अब देखें मजीद इसमें, अब हमें ये बताना है कि एक ऑर्डर में प्रोडक्ट्स कितनी है भाई, इस कस्टमर ने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स ऑर्डर की हैं। प्रोडक्ट का टेबल है हमारे पास, ये हमने बनाया था, तो प्रोडक्ट की टेबल के अंदर सपोज हम कुछ डेटा भी इंटर कर देते हैं, जैसे भाई हमारे पास एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वन। प्रोडक्ट वन के प्राइस जो हैं वो हैं 1000, और एक्सपायरी डेट है इसकी 12/12/2000, और मैन्युफैक्चरिंग डेट है इनकी, सही है, चले अभी तक ये बनी ही नहीं है। अच्छा एक हमारे पास प्रोडक्ट टू है, इसके प्राइस हैं 3000, और इनकी भी एक्सपायरी डेट यही है, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी यही है। अब ये एंट्री मैंने कर दी यहां पे प्रोडक्ट की, दो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट वन और एक प्रोडक्ट टू। अब तीसरा टेबल है मेरे पास ऑर्डर का, ऑर्डर की टेबल में मेरे पास जो है वो ऑर्डर की टेबल में मेरे पास एक ऑर्डर आया, और वो ऑर्डर आया जनाब, जी बोले, वो पूरा डेटाबेस ही होता है ना, एंटरप्राइज डेटाबेस होता है ना वो, यही तो समझाया था आप लोगों को लास्ट टाइम। अच्छा देखें यहां पर ये कस्टमर, अब इसका क्या मतलब है कि कस्टमर नंबर वन ने इस तारीख को एक ऑर्डर किया, मिस्टर ए ने किया। इसी तरह कस्टमर नंबर टू ने इस तारीख को एक ऑर्डर किया, तो इससे हमें ये तो पता चल रहा है कि फलां कस्टमर ने इस तारीख को ऑर्डर प्लेस किया, ये ऑर्डर किया, लेकिन अब ये समझ नहीं आ रहा है कि उस ऑर्डर में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स थी। तो अब मसला ये है कि ये जो ऑर्डर है और ये जो प्रोडक्ट है, इनमें रिलेशनशिप क्या है आपके ख्याल में? रिलेशनशिप निकालने का तरीका ये है कि आप सवाल करें पहले कि एक ऑर्डर में कितनी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, कितनी हो सकती हैं, जितनी चाहे हो भाई, उसकी मर्जी है, पूरा स्टोर खरीद के ले जाए, इससे अच्छी बात ही क्या है, क्या ख्याल है? अच्छा एक प्रोडक्ट कितने ऑर्डर्स में हो सकती है, प्रोडक्ट समझ रहे हैं? प्रोडक्ट से मुराद यही कि भाई फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो हर तरह की प्रोडक्ट है ना, जैसे भाई मिनरल वाटर की बोतलें हैं बहुत सारी, बोतलें हैं बहुत सारी, ठीक है, तो अब उसमें जो है ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है ना, तो जितने यूजर चाहे लेके चले जाए, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप बनता क्या है, मैनी टू मैनी। अब मैनी टू मैनी का प्रॉब्लम ये है कि फॉरेन की में किधर लगाऊं, ऑर्डर में लगाऊं कि प्रोडक्ट में लगाऊं, यानी ऑर्डर के अंदर प्रोडक्ट आईडी लिखूं या प्रोडक्ट के अंदर ऑर्डर आईडी लिखूं। हाँ मैंने कहा था कि जिस साइड पे मेन्यू या दोनों साइड पे मेन्यू है, देखें अगर प्रोडक्ट में ऑर्डर आईडी रख दूं मैं, तो एक प्रोडक्ट तो मल्टीपल ऑर्डर्स में होती है, तो हर प्रोडक्ट के आगे मल्टीपल ऑर्डर आईडी लिखूंगा क्या? अगर ऑर्डर में प्रोडक्ट आईडी रखूं तो एक ऑर्डर में मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं, तो एक रॉ में मुझे मल्टीपल प्रोडक्ट आईडी लिखनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? देखिए ऑर्डर के आगे एक कस्टमर की आईडी थी, क्योंकि एक ऑर्डर एक ही कस्टमर कर सकता है, ये बात समझ में आ रही है? हाँ क्या करें, ऑर्डर के टेबल में प्रोडक्ट आईडी का एक कॉलम बना लें और उसमें सारी प्रोडक्ट्स रखें, ये कह रहे हैं आप? हाँ तो वो अजीब सा हो जाएगा ना,
अजीब सा ही हो जाएगा कि मुझे पता ही नहीं कितनी प्रोडक्ट है। अब उसने अगर 10 प्रोडक्ट करी है तो मैं 10 प्रोडक्ट आईडी कॉमा सेपरेटेड करके लिखूंगा एक्सेल के अंदर। समझ में आ रही बात? यही चीज मैं यहां समझाना चाह रहा था कि जब हमारे पास मेनी टू मेनी रिलेशनशिप होता है ना, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है कि इसको डेटाबेस पे मैप कैसे करें। तो हम करते यह हैं कि इस मेनी टू मेनी को ब्रेक करके दो वन टू मेनी बना देते हैं और एक नई एंटिटी बना देते हैं जिसको हम कहते हैं एसोसिएटिव एंटिटी। वो किस तरह बनाएंगे? देखिए, अब मैं यहां पर एक नया टेबल बना रहा हूं और उसके अंदर एक कॉलम में रख रहा हूं ऑर्डर आईडी, एक कॉलम में रख रहा हूं प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, और एक कॉलम में रख रहा हूं यहां पर नहीं ऑर्डर्ड क्वांटिटी, और इसमें देखें मैं करूंगा ये कि ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी दोनों को मिलाकर प्राइमरी की बना दूंगा और इस टेबल को सेव करके मैं लिख दूंगा ऑर्डर डिटेल। अच्छा, अब होगा क्या? होगा ये कि ये प्रोडक्ट का टेबल है, ये ऑर्डर का टेबल है। ऑर्डर डिटेल में मिसाल के तौर पे ऑर्डर ऑर्डर आईडी लिखता हूं मैं 1, इसका मतलब वो ऑर्डर जिसकी आईडी 1 है। उसके आगे लिखा मैंने प्रोडक्ट आईडी 1, इसका मतलब वो प्रोडक्ट जिसकी आईडी 1 है, और ऑर्डर क्वांटिटी लिख दी मैंने 5, इसका मतलब 5, और ये मैंने एंटर कर दिया। इसका मतलब क्या है इन तीन चीजों का? इसका मतलब ये है कि मिस्टर मिस्टर ए, कैसे कह रहा हूं मैं, क्योंकि ऑर्डर आईडी के कस्टमर कौन है? ए। देखें, मिस्टर ए की आईडी 1 है और मिस्टर ए ने जो ऑर्डर किया उसकी आईडी भी अभी 1 है, तो ऑर्डर आईडी के जो कस्टमर हैं, ऑर्डर आईडी 1 के कस्टमर है मिस्टर ए, तो मिस्टर ए ने प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट 1 यानी कि प्रोडक्ट 1 उसको ऑर्डर किया और कहा है कि 5 प्रोडक्ट 1 चाहिए। इसी तरह यह भी हो सकता है कि इसी ऑर्डर में प्रोडक्ट 2 भी हो। बात समझ में आ रही है? इसीलिए सिर्फ ऑर्डर आईडी को हमने प्राइमरी की नहीं रखा या प्रोडक्ट आईडी को नहीं रखा, क्योंकि आप देखें ऑर्डर आईडी रिपीट हो रही है और ऑर्डर आईडी 2 में जो है वो सपोज प्रोडक्ट आईडी 1 है और वो सिर्फ 2 है। अब यहां नंबर जो सारे आ रहे हैं ये, इसको समझने के लिए देखिए मैं यहां पर कर ही रहा हूं कि जा रहा हूं ऑर्डर डिटेल पे और इसमें अब कुछ मैं टेबल इन कॉलम्स को ना लिंक भी कर रहा हूं, तो मैं जा रहा हूं रिलेशनशिप में, यहां पर मैं एक रिलेशनशिप बना रहा हूं बिटवीन ऑर्डर की जो ऑर्डर आईडी है वो ऑर्डर डिटेल की ऑर्डर आईडी से लिंक हो जाए। फिर एक रिलेशनशिप में बना रहा हूं कि प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट आईडी है वो ऑर्डर डिटेल की प्रोडक्ट आईडी से लिंक हो जाए। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बेसिकली अगर आप इसकी डायग्राम देखें तो आप कुछ आपको देखें आप कुछ आपको शक्ल इसकी समझ में आएगी कि कस्टमर का रिलेशनशिप है ऑर्डर के साथ, और ऑर्डर का रिलेशनशिप है प्रोडक्ट के साथ, और इन दोनों के दरमियान में आ गया है ऑर्डर डिटेल। सही है? असल में ऑर्डर और प्रोडक्ट के दरमियान मेनी टू मेनी का रिलेशनशिप था। सही है? उसको हमने ब्रेक करके किया ये कि बीच में एक एंटिटी लिया ऑर्डर डिटेल, इसमें एक है ऑर्डर आईडी और एक है प्रोडक्ट आईडी। सही है? अब क्या सीन है
कि कोई भी ऑर्डर अगर है तो उसकी आईडी यहां पर होगी, और यहां से पता चल जाएगा कि उस ऑर्डर में कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं और कितनी क्वांटिटी में, और प्रोडक्ट कौन सी है वो हमें यहां से पता चलेगा, यूनिट प्राइस यहां से पता चलेंगे, ऑर्डर क्वांटिटी यहां से पता चलेगी। सही है, समझ में आ रही बात? इसको कहते हैं एसोसिएटिव एंटिटी, क्योंकि ये एक्चुअली मेनी टू मेनी को ब्रेक करके बनाई गई है। सही है, चलें कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा तो आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। तो ये कहलाती है एसोसिएटिव एंटिटी। अच्छा, फिर हमारे पास जो है वो कुछ और भी एंटिटीज होती हैं। कुछ होती है जिनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटीज, कुछ होती हैं वीक, और आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप होता है इनके दरमियान। जैसे मिसाल के तौर पे किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, वहां पे जो है वो कंपनी जो है वो ना सिर्फ आपको मेडिकल फैसिलिटी देती है, ओपीडी फैसिलिटी देती है, बल्कि आपके फैमिली को भी देती है। मिसाल के तौर पे आप कभी बीमार हो जाते हैं, आपकी फैमिली में से कोई बीमार हो जाता है, तो जितना भी खर्चा होता है हॉस्पिटल का या कहीं का भी, वो कंपनी आपका जो है वो बेयर करती है। समझ में आ गई मेरी बात? अब इसमें क्या होगा कि उन्होंने रिकॉर्ड रखा होगा आपकी डिटेल भी और आपकी फैमिली की डिटेल भी। सही है। अच्छा, अब क्या हुआ जनाब, अब हुआ ये कि आपने वो कंपनी छोड़ दी, तो क्या कंपनी आपकी फैमिली को मेडिकल एक्सपेंसेस को बेयर करेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता, करेगी, है ना? तो आप यहां पे देखें, इस चीज को समझे कि कंपनी ने जब आपका डेटा स्टोर किया होगा तो आपकी फैमिली का डेटा एक अलग टेबल में स्टोर किया होगा। तो लेकिन ये जो डेटा है डिपेंडेंट का, ये डिपेंड कर रहा है एम्प्लॉय के टेबल पर। एम्प्लॉय होगा तो डिपेंडेंट होंगे, एम्प्लॉय नहीं होगा तो डिपेंडेंट भी गए। इस किस्म के रिलेशनशिप को आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप कहा जाता है, इस किस्म की एंटिटी को वीक एंटिटी कहा जाता है। ये वीक एंटिटी है, और ये जो एंटिटी एम्प्लॉय है स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रही। बात समझ में आ रही? एसोसिएटिव एंटिटी अभी मैं डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ, कि जब आप एक दो मैनी रिलेशनशिप को, एक मैनी टू मैनी रिलेशन को ब्रेक करते हैं तो एक एसोसिएटिव एंटिटी बन जाती है। ठीक है, ये हमारी कुछ बात हो गई एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के ऊपर, और हमने एक ये डेटाबेस बना लिया ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से, जिसमें कुछ एंटिटीज भी मौजूद हैं। अच्छा, अब जरा इधर आ जाएं, और ये जो हमारी डायग्राम थी मैंने बंद कर दी। इसके अंदर शुरू में हमारे पास कुछ एंटिटीज और थी, यानी ये डायग्राम थी। तो कस्टमर, ऑर्डर और प्रोडक्ट तो इसमें हमने रख लिए। अब एक हमारे पास एंटिटी है आइटम के नाम से। आइटम का क्या कॉन्सेप्ट है? आइटम का कॉन्सेप्ट ये है असल में कि सपोज हम जो है वो कुछ मिसाल के तौर पे हम जो है वो कार बनाते हैं। अब कार मैन्युफैक्चरर हैं तो ऐसा नहीं है कि हम कार किसी से खरीद के आगे बेचते हैं, बल्कि हम करते ये हैं कि किसी से इंजन लेते हैं, किसी से टायर ले लेते हैं, किसी से सीट्स लेते हैं, किसी से कार की बॉडी परचेज करते हैं, या कुछ चीजें हम खुद बनाते हैं, कुछ चीजें बाहर से परचेज करते हैं, और इन सबको असेंबल करके एज अ प्रोडक्ट बेच देते हैं। तो प्रोडक्ट तो हमारी कार है, आइटम से मुराद ही डिफरेंट चीजें हो गई। बात समझ में आ रही? या मिसाल के तौर पे हमारा एक रेस्टोरेंट है और हम फूड आइटम जो है प्रेजेंट करते हैं। तो अब जैसे हम बर्गर बेचते हैं या पिज्जा पिज्जा बेचते हैं, या हम जो है वो चाइनीज फूड भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जाहिर है अब मैं, अगर मेरे पास कोई कस्टमर आएगा तो अगर मुझसे बोलता है कि भाई मुझे जो है वो ये चाइनीज फूड चाहिए, तो मैं ऐसा नहीं कि दूसरी दुकान से जाके चाइनीज फूड लेकर आऊंगा,
बल्कि मेरे पास इंग्रेडिएंट्स होंगे, मैं उनको मिला के वहीं पे कुक करूंगा और फिर उसको प्रेजेंट करूंगा। अब वो जो इंग्रेडिएंट्स है वो आइटम है, और प्रोडक्ट क्या है वो जो भी मैं ऑर्डर किया गया। मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है, तो आइटम से मुराद वो चीजें हैं जिनसे मिलकर प्रोडक्ट बनती है। ठीक है, तो अब आइटम और प्रोडक्ट में क्या रिलेशनशिप है भाई? एक आइटम कितनी प्रोडक्ट में हो सकता है? बहुत सारे प्रोडक्ट में हो सकता है। और एक प्रोडक्ट के अंदर कितने आइटम हो सकता है? तो ये फिर वो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बन गया। तो अब मैं अगर आइटम का बनाऊंगा टेबल अपने डेटाबेस के अंदर, तो उसका तरीका वही है कि मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, यहाँ से करूंगा न्यू टेबल, तो यहाँ पर आ जाएगी जनाब आईडी, ये आइटम आईडी हो गई। आइटम आईडी अलग है, प्रोडक्ट आईडी अलग है। फिर आइटम के अंदर और क्या-क्या होना चाहिए? इंग्रेडिएंट तो ये खुद एक इंग्रेडिएंट है ना, चलें इसका नाम होना चाहिए कि इस आइटम का नाम क्या है और इसके प्राइस क्या है। एक तो प्रोडक्ट के प्राइस है, किसके प्राइस है, इसको भी मैं न्यूमेरिक 18.3 कर रहा हूं। और कितना इस्तेमाल हो रही है, असल में हमारे पास ये होगा कि हमने कितनी परचेज करा है, इसको हमारे पास स्टॉक में कितना है, ये तो इसको कह लेते हैं हम के नहीं, इसको कोई नाम ऐसा देते हैं ना। चलें फिलहाल सपोज इतना ही है और इसको सेव कर लेते हैं, इसका नाम हम रखेंगे आइटम। तो आइटम में और प्रोडक्ट में डिफरेंस है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो आइटम है इसमें ना हम प्रोडक्ट आईडी रख सकते हैं और ना प्रोडक्ट में आइटम आईडी रख सकते हैं। इसलिए नहीं रख सकते कि दोनों में मैनी टू मैनी है और ये काम करना है, तो हमें एक बीच में एक टेबल नया इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा एज एन एसोसिएटिव एंटिटी, क्योंकि दोनों में मैनी टू मैनी है। तो यहां पर मैं एक नया टेबल बनाऊंगा, उसको हम कह देते हैं आइटम डिटेल, टेबल का नाम है, उसमें उसकी आईडी होगी, उसमें एक होगी जनाब आइटम आईडी, एक होगी प्रोडक्ट आईडी। यानी ये आइटम जो है वो किस किस प्रोडक्ट में यूज हो रही है, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, और फिर ये कि ये दोनों मिलके इसकी प्राइमरी की होंगी, और साथ ही साथ ये जो आइटम आईडी है इसका रिलेशनशिप होगा जनाब आइटम के टेबल से आईडी से। आइटम के टेबल में आईडी जो है वो इंटीजर है, लेकिन उसको प्राइमरी की नहीं बनाया था। अच्छा, यहां पर हमने अब जाके इसको आप जरा ना प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पे जाकर, जो ये सारे काम मैं कर रहा हूँ इसकी वीडियो बन रही है, तो मैं थोड़ा, मुझे पता है मैं थोड़ा तेज कर रहा हूँ ये, तो इसको आप लाजमी तौर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अदरवाइज थोड़ा फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब अगर आप इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद वो अपनी डायग्राम में जाके वो दोनों टेबल भी अगर आप यहाँ ऐड करवा दें, कौन से टेबल? तो
चलें, तो आपके पास टेबल कौन कौन से हो गए? एक प्रोडक्ट का हो गया, एक ऑर्डर का हो गया, एक आइटम का टेबल हो गया, और एक हो गया आइटम डिटेल का टेबल। तो आइटम डिटेल यहां पर एज एन एसोसिएटिव एंटिटी मौजूद है बिटवीन आइटम एंड प्रोडक्ट। तो अब अगर आप मजीद इसमें देखें तो फर्दर और कौन कौन से टेबल हैं या एंटिटीज हैं? शिपमेंट का है, शिपमेंट का टेबल बनेगा एक। शिपमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं? शिपमेंट के कॉन्सेप्ट को समझ लें, शिपमेंट है क्या चीज? नहीं, देखें इसको इस तरह समझें, देखें चीज को जितना सिंपल रखेंगे ना बात ना क्लियर हो जाएगी। सप्लायर कौन है? जिससे आप आइटम परचेज करते हैं वो सप्लायर है आपका। एक से ज्यादा सप्लायर हो सकते हैं, जाहिर सी बात है भाई। देखें मिसाल के तौर पे आप अगर बर्गर बनाते हैं तो आप जो हैं वो उसके अंदर डिफरेंट चीजें हैं, तो आप चार पांच सप्लायर से हर चीज अलग अलग लेते हैं। तो अब वो जो सारे सप्लायर हैं वो उनकी एंट्री होगी सप्लायर से। अच्छा, एक सप्लायर से आप एक आइटम भी ले सकते हैं, मल्टीपल भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि अगर आपका जो है वो कोई भी बिजनेस जो है वो ज्यादा चलता है, कोई आपका रेस्टोरेंट है, तो अब ऐसा तो नहीं होता ना कि आप रोजाना सप्लायर के पास जाते हैं। आप करते ही हैं कि महीने में एक दफा या हफ्ते में एक दफा सप्लायर से कुछ चीजें मंगवा लेते हैं, ठीक है। अब वो जो चीजें मंगवा लेते हैं उसको जो चीजें आती है ना आपके, उसको आप एक शिपमेंट कहते हैं। शिपमेंट से मुराद ये है कि एक वक्त में जो सारी चीजें आपके पास आती है ना, कि भाई फला तारीख को एक शिपमेंट आई थी और उसमें ये वाला आइटम इतनी क्वांटिटी में था और उस वक्त उसका प्राइस इतना था, समझ में आ गई बात? अच्छा, अब उस आइटम के प्राइस बढ़ गए, अब नेक्स्ट शिपमेंट में वो दोबारा आया, प्राइस बढ़ गए, तो वो नेक्स्ट शिपमेंट में उसके प्राइस इतने होंगे। तो आप जो है जो पेमेंट करेंगे वो शिपमेंट की बेसिस पे कर रहे होंगे कि इस शिपमेंट में इतना आइटम आए थे तो उसकी मैंने इतने पे कर दिए, इस शिपमेंट में इतना आइटम आए थे उसके मैंने इतने पे कर दिए। हो सकता है उसमें कुछ कुछ जो है वो आप पे ना भी कर रहा हूं, वो उधार में चल रहा हूं मैं। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, तो बेसिकली शिपमेंट से मुराद यहां पर कोई फिजिकल चीज नहीं है। शिपमेंट से मुराद जिस तरह ऑर्डर है ना, तो ऑर्डर होता है बिटवीन कस्टमर एंड प्रोडक्ट, और शिपमेंट होती है बिटवीन सप्लायर एंड आइटम। बात समझ में आ रही? शिपमेंट भी काइंड ऑफ एन ऑर्डर ही है, और उसमें डिफरेंट आइटम्स होते हैं जो सप्लायर देता है। जिस तरह प्रोडक्ट ऑर्डर में प्रोडक्ट्स होती हैं जो कस्टमर को दी जाती हैं। ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस हो गए हैं। शिपमेंट बेसिकली ये है, यूं समझ लें आप, क्या आपकी जो है ना छोटी सी दुकान है, वहां पे आप डिफरेंट चीजें बेचते हैं ना, तो आपके पास जो है ना वो हफ्ते में एक दफा जो है वो एक सुजुकी आके रुकती है, और उस सुजुकी के अंदर डिफरेंट चीज, जैसे बेकरी की दुकान है, सही है। अब बेकरी वाला जो है, आप तो उसके पास जाते हैं सुबह सुबह, डिफरेंट चीजें खरीद लेते हैं, आपने डबल रोटी भी खरीद ली, आपने जो है ना मक्खन भी खरीद लिया, और क्या क्या लेते हैं भैया, आप अंडे भी ले लिए फॉर एग्जाम्पल, सही है। अब ये तो आपने ले ली, ये जो चीजें आप कौन है उस बेकरी वाले के लिए? कस्टमर है। आपके ऑर्डर में क्या क्या चीजें हैं? तीन तीन आइटम्स हैं, डबल रोटी है, अंडे हैं, और फॉर एग्जाम्पल आपने ब्लू बैंड खरीद लिया, चलो सही है, मक्खन खरीद लिया, मक्खन तो नहीं है घर वो, चले। अच्छा, अब ये तीन प्रोडक्ट्स हैं जो उसने आपको दी, सही है? अच्छा, अब उसके पास अगर आप गौर करेंगे ना, तो रोजाना सुबह जो है ना एक सुजुकी आके रुकती है, और वो सुजुकी जिस कंपनी से या फैक्ट्री से आती है, और उनसे वो बल्क में जो है वो काफी सारी डबल रोटियां और मक्खन और जो है ना वो सारी चीजें खरीद लेता है। लेकिन वो उनको उसको पैसे दे ना दे, वो उसका रोजाना का तय है कि इतनी चीजें तुमने लाके मुझे रोजाना सुबह देनी है, सुबह सुबह। मेरी बात समझ में आ रही है? ये उसके पास रोजाना की बेसिस पे शिपमेंट आ रही है, सही है। और वो शिपमेंट आ रही है, वो रोजाना, जरूरी नहीं है कि वो रोजाना ही पैसे दे, बस वो नोट कर लेता है कि
इतने बजे इतनी इतनी चीजें मेरे पास आई थी, इतनी तादाद में डबल रोटियां, इतने अंडे आए, इतने ये आई, ये फलाना फलाना चीजें आई, वो उसने नोट करके रख ली और वो रख ली। अब उसमें से जितनी चीजें बिक गई, जितनी नहीं बिकी, अगले रोज जब वो वापस आए तो उसने उसको या तो रिटर्न कर दी या कोई हिसाब किताब उनका जो भी हो गया। बात समझ में आ रही है? इसमें उसके डिफरेंट सप्लायर हो सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट कंपनीज की आपको वहां पर जो है वो नजर आ रहे होंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये सिर्फ मैंने वो बेकरी की एग्जांपल दे दी आपको, और एग्जांपल ले लें तो उसमें थोड़ा एग्जांपल डिफरेंट हो जाएगी, और चीज हो जाएगी। तो बेसिकली बात ये है कि सप्लायर जो है ना वो होलसेल रेट पे चीजें दे रहा होता है। अब यहाँ पे आइटम और प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं हो पाएगा बेकरी में, लेकिन कॉन्सेप्ट है बेसिकली इसी किस्म का। तो अगर नहीं है तो आप बेशक आइटम को बीच में से हटा दें, आप सिर्फ प्रोडक्ट को रख लेंगे, आप सप्लायर से डायरेक्ट प्रोडक्ट ही ले रहे हैं और वो आगे बेच रहे हैं होलसेल रेट पे। और अगर वो जो मैंने दूसरी एग्जांपल दी थी रेस्टोरेंट की, तो वहां पर आप चीजें लेके उनकी आइटम लेके उनको मिलाकर प्रोडक्ट बना रहे हैं और फिर वो आगे बेच रहे हैं। सही है? ठीक है, तो ये इस किस्म का एक पूरा जो है ना वो आपको कोई भी सिस्टम आपको बनाना हो ना, तो उसका पूरा एक आप दे ये समझ लें कि ये ईआरडी में ही पूरा बिजनेस है। बात समझ में आ रही? तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि सिस्टम में क्या क्या चीजें होंगी, फिर वो आप उसका डेटाबेस बनाते हैं, फिर उसका फ्रंट एंड बनता है और आपस में कम्युनिकेशन होती है। अब ये ईआरडी ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम की, सपोज मुझे बनानी है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की, तो उस